साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज कुछ खास खबर देखते हैं। एमएनएस न्यूज लाइव चैनल के उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ हाल ही में कुंभ मेला में गए, जहाँ कुंभ मेला की जानकारी दी, जिसके चलते कुंभ मेला के आयोजन संबंधित एवं सरकारी यंत्रणा की विस्तृत जानकारी दी। एमएनएस बुंदेलखंड के ब्यूरो चीफ शिव कुमार शिवहरे, इन्होंने डॉक्टर सुभाष चंद्र से पूरी जानकारी इनके साक्षात्कार में ली। आइए देखते हैं इस साक्षात्कार की झलके। डॉक्टर साहब, कुंभ मेले में इस वक्त आपका कैसा अनुभव रहा? शिवरे जी, कमियां तो सब जगह कुछ न कुछ होती हैं, लेकिन इस बार कुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्था है, असुविधा कोई नहीं नजर आई है। जैसे कि संसाधनों की जो अधिकता होती है वो लगातार बनी रही, साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कहीं पे भी अगर जरा सा भी कूड़ा नजर आता था तो सफाई कर दी, हम लोगों ने भी कोशिश किया भाई अगर कोई चीज़ खाई है तो उसको सही जगह पे स्थान पर हटाने की कोशिश किया, और यातायात की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सारी जगह इंडिकेशन दिए हुए थे कहाँ कैसे जाना है कैसे नहीं जाना, तो इस तरीके से जो है इंतजाम था बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, स्नान के बारे में आपका क्या कहेंगे? स्नान संबंधी वो भी बहुत अच्छी सुविधाएँ थी वहाँ पर, और बहुत ही उच्च कोट की व्यवस्था थी, जैसे कि जो लोहे के गार्डर लगे हुए होते हैं वो तो अपना थे ही करने हुए थे अच्छे, फिर इसके बाद जो घास फूस का बनता है, मतलब हम नहा के आवें पहले बालू वाली मिट्टी पे पैर हमारे आवें तो जम जाएंगे, चिकनाई होगी फिसलन होगी, तो उसके ऊपर जो है जैसे वो प्यार का होता है इस तरीके कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर रखी होती थी, आपको कहीं भी किसी तरीके से फिसलन ना हो या किचकिच ना हो, कीचड़ टाइप का ना हो, बाकी तो जैसे कीचड़ थोड़ा सा बारिश में हो जाता है लोहे की पट्टियों में पड़ जाता था, लेकिन ऐसा जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं जाए। दूसरी चीज़ ये था कि जो सिक्योरिटी वाले जो प्रहरी थे, जैसे कि कोई डूबने लगा इस तरीके से, तो हर एक स्नान करने वालों के ऊपर जो है उनकी नज़र थी, कोई भी घटना हो तो प्रहरी तुरंत नजर आते, ये रहा ऐसा। डॉक्टर साहब, पर्यटन के रूप में इस वर्ष के कुंभ के बारे में आपकी क्या राय है? पर्यटन को इतना अच्छी सजावट थी, विश्व स्तरीय सुविधाएं इतनी गजब थी, और जो टेंट थे वो सुपर लग्जरियस इतने बढ़िया थे कि उनकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल था। इनके पर्यटन पीछे तो ये होता था कि भाई किसी तरीके से अपना टेंट लगे हैं कहीं यहाँ भी आई उड़ जाए, भाई यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि नहीं उड़े हैं, लेकिन फाइव स्टार की जो सुविधाएं हुआ करती थी वो जो है पंडालों में और टेंट में नजर आई। घर तक कुंभ में खो जाने संबंधी मिथक के बारे में आपसे क्या रखेंगे? खो जाने का तो ये है कि इस बार तो मोदी जी और योगी जी ने मिलकर ऐसे संसाधन दिए हैं कि कैमरे हर पॉइंट पे कैमरे, सिक्योरिटी वाले जो प्रहरी थे डूबने लगा इस तरीके से, तो हर एक स्नान करने वालों के ऊपर जो है उनकी नज़र थी, कोई भी घटना हो तो प्रहरी तुरंत नजर आ, ये रहा ऐसा। डॉक्टर साहब, पर्यटन के रूप में इस वर्ष के कुंभ के बारे में आपकी क्या राय है? पर्यटन को इतना अच्छी सजावट थी, विश्व स्तरीय सुविधाएं इतनी गजब थी, और जो टेंट थे वो सुपर लग्जरियस इतने बढ़िया थे कि उनकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल था। इनके स्ट्रक्चर पीछे तो ये होता था कि भाई किसी तरीके से अपना टेंट लगे हैं कहीं आंधी आई उड़ जाए, उड़े यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि नहीं उड़े हैं, लेकिन फाइव स्टार की जो सुविधाएं हुआ करती थी वो जो है पंडालों में और टेंट में नजर आई। घर तक कुंभ में खो जाने संबंधी मिथक के बारे में आपके क्या रखेंगे? हो जाने का तो ये है कि इस बार तो मोदी जी और योगी जी ने मिलकर ऐसे संसाधन दिए हैं कि कैमरे हर पॉइंट पे कैमरों की नजर है, कोई भी चीज़ बच के नहीं जा सकती, चाहे रेलवे ट्रैक के नीचे हो चाहे ऊपर हो, बसें हो, सारे साधन हैं, सब जगह जो है कहीं पे भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी, मिसिंग के केस में भी जो है कैमरे वगैरह इसमें हैंडल भाई कोई पॉइंट किस पॉइंट से खो गया है तो कहाँ तक गया फिर किस तरीके से गया, तो वो इस तरीके से जो है सारी मिल रही है। अब आखिरी प्रश्न है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब की कुंभ में पत्रकारों के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है।
और ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। दरअसल है क्या है कि कवरेज के लिए जो है एक बहुत बड़ा मीडिया सेंटर वहाँ पे हमने जाके देखा और पत्रकारों की एक कॉलोनी भी पहले वहाँ की कोई दिक्कत नहीं, और मीडिया का जो पंडाल बनाया गया है जिसमें जो है हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी है और पत्रकारों को वाहन पास वगैरह और बाकी जो चीज़ें होती हैं सब जारी किए गए हैं। देश विदेश से आने वाले जो पत्रकार उनके लिए अलग रहने की व्यवस्था की गई है, तो इस वजह से पत्रकारों को जो है बहुत ही कायदे से अच्छी व्यवस्था की गई वहाँ पे कहीं कोई कमी और ये बड़ा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुभाष चंद्र जी आपका कि आपने हमको अपना इतना कीमती समय दिया और कुंभ के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। एमएनएस न्यूज टीम आपका पुनः शुक्रिया अदा करती है। आप कैमरा मैन के साथ सुकुमार शिवरे विरुचि बुंदेलखंड वार्ता कर। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।